आई हैव नेवर सीन सच एन इल कल्टिवेटेड प्लेयर लाइक लिंडन इन माई एंटायर कोचिंग करियर. ये कहा था कोरियन मेंस टीम के कोच ली माओ ने आफ्टर द थ्रिलिंग फाइनल ऑफ 2008 कोरियन ओपन. तो ऐसा क्या हुआ था उस मैच में कि लिंडन के बारे में ऐसा कहा गया एंड वाई लिंडन गॉट रियली फ्यूरियस एंड आउट ऑफ कंट्रोल डेट इवन ही गॉट द येलो कार्ड. और अगर आप बैडमिंटन खेलते हो तो वीडियो की लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है आपके लिए. तो फिर शुरू करते हैं इस इंसिडेंट की स्टार्टिंग से. 他没有讲说直接的是说可能说直接的在骂，但是他的表达出他那个情绪，就是要跟中国队对话，是可能跟他当时的情绪出来，他的意思说什么？不好意思，那个。 ये फाइनल था 2008 कोरिया ओपन लिंडन वर्सेस ली हुन. अगर आप ली हुन के बारे में नहीं जानते हो तो ही वॉज अ वेरी गुड मैन सिंगल्स प्लेयर फ्रॉम कोरिया. तो फाइनल में पहुंचने के लिए ली हुन ने ली चोंगवी को हराया था सेकंड राउंड में. और हराया भी क्या था, एक्चुअली ली चोंगवी गॉट इंजर्ड, दैट्स व्हाई ही गॉट रिटायर्ड. और लिंडन बहुत ही इजीली पीटर गेड को सेमीफाइनल में हरा के फाइनल में पहुंचा था. तो फाइनल का पहला सेट देख के तो किसी को भी नहीं लगा होगा कि इट विल बी अ फाइनल टू रिमेंबर फॉर द एजेस, क्योंकि स्कोर था 4-2 और इसके बाद लिंडन ने लगातार 19 पॉइंट लिए और पहला सेट बहुत ही इजीली जीत गया बाय 21-4. लेकिन सेकंड सेट में ली हुन ने बहुत ही अच्छा कमबैक करा. एंड ही वॉन द सेट बाय 23-21. सो इट वॉज फाइनली टाइम फॉर द थर्ड सेट. और थर्ड सेट काफी इंटेंस चल रहा था, कभी लिंडन जीत रहा है कभी ली हुन जीत रहा है. लेकिन फाइनली स्कोर हुआ 20-18 और लिंडन जीत रहा था. लेकिन उसके बाद ली हुन ने लगातार 3 पॉइंट लिए. और स्कोर था 21-20. बट अगेन लिंडन सेव्ड द मैच पॉइंट एंड नाउ द स्कोर वॉज 21-all. नाउ इट वॉज द मोमेंट ऑफ द स्टोरी. स्कोर था 21-all और यहाँ पे ली हुन ने एक स्मैश करी. अब इस स्मैश को ध्यान से देखना और मुझे सच सच बताओ क्या ये स्मैश इन है या आउट है. इतनी बेकार वीडियो क्वालिटी में भी मैं 100% कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि ये स्मैश पक्का आउट है. लेकिन मैच कहाँ हो रहा था, कोरिया में. लाइनमैन कौन था, कोरियन. सो एट द स्कोर ऑफ 21-all एंड इवन इन द लास्ट सेट ऑफ द गेम इस स्मैश को इन कॉल कर दिया जाता है एंड लिंडन जस्ट लॉस्ट हिज कूल. देखो कैसे लिंडन एकदम गुस्से में अपने अपोनेंट के पास जाता है और जैसे हम जाते हैं ना कि भाई मान मेरी बात, पक्का आउट है. सो ही वॉज ट्राइंग टू कन्विंस हिम. लेकिन अंपायर ने अपना डिसीजन चेंज नहीं करा और इनफैक्ट यहाँ कोचेज में आपस में लड़ना शुरू हो गए. और यही था मेन रीजन कि ये इंसिडेंट इतना बड़ा क्यों बना. एक्चुअली ली माओ इज चाइनीज एंड ही यूज्ड टू कोच चाइनीज बैडमिंटन टीम, बट आफ्टर 2000 ही यूज्ड टू कोच फॉर मलेशिया एंड साउथ कोरिया. और ली माओ की कोचिंग के अंडर ही लिंडन वर्सेस ली चोंगवी की राइवलरी शुरू हुई थी जब ली माओ मलेशिया में ली चोंगवी के कोच थे. और इनकी कोचिंग में कोरियन प्लेयर्स ने कई बार चाइनीज प्लेयर्स को हराया था. सो इट वॉज काइंड ऑफ अ वेरी बिग राइवलरी. तो इसी वजह से कोचेज भी इस पॉइंट के लिए बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए थे. एंड टू बी ऑनेस्ट, ली माओ नेवर रियली लाइक लिंडन. और लिंडन ने भी मैच के बाद कहा था, ही वॉज टॉकिंग एंड शाउटिंग एट माई बैक एंडलेसली while I was competing and he was also verbally insulting the Chinese team. और वीडियो के हिसाब से भी चले तो कुछ ऐसे ही लग रहा है कि he was constantly saying something to Lyndon. तो इसके बाद according to the words of Lyndon, Lyndon chose to fight back और full aggression में Lyndon racket उठा देता है Li Mao पे. Obviously मारता नहीं है, but not only once, but he tried to hit him twice. And it is one of my favorite moment of Lyndon's career. मतलब ऐसा कुछ inspire होने लायक नहीं है, लेकिन मजा तो आता है जब आपका favorite player बहुत ज़्यादा aggression में खेले. फिर उसके बाद coaches ने Lyndon को हटाया और अंपायर ने लिंडन को येलो कार्ड दे दिया. लेकिन मैच तो कंटिन्यू होना ही था एंड स्कोर वॉज 22-21 एंड लिंडन वॉज लूजिंग. लेकिन इसके बाद लिंडन एक्चुअली सेव्ड द मैच पॉइंट, बट इवेंचुअली ही लॉस्ट बाय 25-23. अब ये मैच तो यही खत्म हो गया, लेकिन मैच के बाद भी कभी कोई इंटरव्यू में कुछ बोल रहा है, कभी किसी के बारे में कोई कुछ बोल रहा है. और ली माओ ने तो ये तक कह दिया था कि हम BWF में ऑफिशियल कंप्लेंट करेंगे लिंडन के अगेंस्ट. लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और इसके बाद भी बहुत सारे मैचेस हुए लिंडन और ली हुन के बीच में. और इनफैक्ट इनके टोटल करियर में 17 मैचेस हुए जिनमें से लिंडन 14 मैचेस जीता है. अब मैंने जैसे वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, अब उस पे आते हैं. मेरा ये वीडियो बनाने के पीछे दो पर्पस थे. पहला कि मैं बहुत सारी बैडमिंटन रिलेटेड
स्टोरीज कवर करना चाहता हूँ एंड टू बी ऑनेस्ट आई थिंक अ बिग इंसिडेंट लाइक दिस एटलीस्ट डिजर्व्स अ वीडियो। तो ऐसा कोर कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब भी करें। और दूसरा पर्पज था कि आई फाइंड दिस इंसिडेंट वेरी रिलेटेबल। रिलेटेबल इसलिए क्योंकि ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि अगर आप कहीं पर टूर्नामेंट खेलने जा रहे हो और जिसका होम कोर्ट है वो, तो उससे बहुत ज्यादा एडवांटेज होता है और 90% चांस है कि जब भी कोई क्लच मोमेंट होगा मैच में तो उस टाइम पे आपके साथ चीटिंग होगी। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था कि स्कोर चल रहा था 18-16 इन द लास्ट सेट और उसे चेंज करके 16-14 कर दिया। इसमें लेसन की बात यह है कि जब भी आप टूर्नामेंट खेलने जा रहे हो कहीं पे, तो आपको ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि वहां पे कभी भी कोई भी तरह की चीटिंग हो सकती है और ऐसी सिचुएशन में आपको कंपोजर बनाए रखना है एंड यू डोंट हैव टू लूज योर कूल। क्योंकि इस मैच में भी अगर आप देखोगे तो लिंडन वॉज विनिंग बाय 23-22 इन द लास्ट सेट, लेकिन इसके बाद ही लॉस्ट कंसेक्यूटिवली 3 पॉइंट्स। Which is mostly because he lost his cool and his composure. तो lesson यही है कि accept कर लो कि आपके साथ cheating हो सकती है and don't lose your composure and cool in situation like this. तो video को यही end करते हैं। मुझे तो incident बताने में काफी मजा आया और मैं future में भी ऐसी story cover करने की कोशिश करूंगा and I hope you are watching till the end. और अगर आप आखिरी तक देख ही रहे हो तो please like और अगर subscribe नहीं करा है please subscribe. I am Arpit, I am a strength and conditioning coach. See you in the next one.